पतली हो गई लड़की, शर्मा गई। अब बड़े हरामी हो बेटा, तेरे बहुत बदमाश लड़की है, एक उठवा दिए मेरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग, सो स्वागतम। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं रेडी हो चुका हूँ। बाल देखो, चंपू वाले हो रहे हैं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। रेडी हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ एक्चुअली ऑफिस आज, तो ठीक है अभी ऑफिस जा रहे हैं। और उससे पहले विशाखा भी आई नहीं, तो मैंने क्या करा ना, शाम की सब्जी रखी थी आलू वाली, और रोटी मैंने दो बना ली, और भाई सब पेट में डाल के जाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। और बिना खाने पीने तो भाई काम और दिमाग काम नहीं करता, ना शरीर काम करता है। तो अच्छा खा के फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर बिटिया रानी आ जाए, तब तक हम उसको खिलाएंगे और इस ब्लॉग में जोड़ते रहेंगे सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए इस ब्लॉग में टिल दी है। तो आ गई नित्या की मम्मी अपने मायके से, है पतली हो गई लड़की, शर्मा गई। अब दिखाता हूँ उस कार्टून को। पापा की बेटी आ गई, आप बाबा चादे वहाँ से। नानी चाच आई हो, इसी में कंफर्टेबल रहती है, आराम से सोती है। आ झुंझुने में थप्पड़ मार रही है। हे मालू मालू बेटा, तो माला बीतू बीतू क्या मेरा बीतू हो है, कट लग गया क्या? ड्रामेबाज ड्रामेबाज लड़की हो आप नित्या बेटा। एंड आई मिस्ड यू अ लॉट, पापा मिस यू अ लॉट, डू यू नो दैट? हाँ, डू यू नो दैट शी इज स्माइलिंग। पापा बोल रहे हैं मिस करा तो आप हंस रही हो, क्यों? मजाक लग रहा है आपको मम्मी की तरह? मजाक लग रहा है आपको? मालू 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 पैर चलाती रहती है, इसमें कंफर्टेबल रहती है, आराम से मस्ती से उसी में आराम सो जाती है। वहाँ पर सोई नहीं है कल रात को। हाँ परेशान कराया है मम्मी को, कल रात को पूरी जगी रही है। सुबह कितने 9 बजे सोई है, कितने 9:30 बजे मम्मी? 9:30 सोई है। हाँ मेरा बीए तो रिलेटेड होगी। अब यहीं रहो आप। जाना था मुझे ना, एक्चुअली डॉक्टर ने टेस्ट लिखे थे, हड्डियाँ जैसे मेरे शोल्डर में पेन है वो, है ना, उस वजह से उसने टेस्ट लिखे हैं कुछ ब्लड के, और तो वो करा के आने हैं, तो चलते हैं वो करवा के आएंगे। रिपोर्ट तो आई थिंक आज मिलेगी नहीं, वो रिपोर्ट मिलेगी कल मेरे हिसाब से, तो वो हम लोग कल ले लेंगे, जाके कलेक्ट कर लेंगे। पर आज टेस्ट करा के आते हैं ताकि उसमें मैं भी देख सकता हूँ कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, डॉक्टर को दिखाना है 2 दिन बाद फिर भी। ठीक है जी, टेस्ट तो करा लिए, और भाई साहब टेस्ट बड़े महंगे हुए हैं। मुझे लग रहा है 1500 का होगा जुगाड़, बस तो 2000 के टेस्ट हो गए। पर कोई नहीं, उसमें पता चल जाएगा ना यार क्यों दिक्कत क्या हो रही है, तो डॉक्टर एटलीस्ट उस हिसाब से दवाई लिख पाएगा। और अभी ये हो गया, अभी नित्या का लेना पाउडर, वो भी इतना खर्चा कराती है पूछो मत। वो ना एक पाउडर का डब्बा आता है 1000 रुपीज़ का अराउंड आता है सिमिलैक का, और वो 5-7 दिन में ख़त्म कर देती है। तो वो भी कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का महीना इसी गायबा की डाइट पर तो लगी। लड़की को देखो डाइट पर, भाई से पूरा डाइट कॉन्शियस हो रखी है। देखो क्या खा रही, काजू बादाम और क्या कुछ क्या बोलते थे, पिस्ता और क्या है साथ में, और काजू बादाम अखरोट मूँगफली, इसे मोटी नहीं होगी, ये हेल्दी फैट है ना, हेल्दी फैट है। अच्छा देव को बना रही बैठे बैठे, देखो मैं नित्या कैसी प्यारी प्यारी बच्ची बन के बैठी है। अभी इसको जबर से जगाया गया, सो नहीं मतलब सोए जा रही थी, अभी बज के भाई साहब 7:30 बजने वाले हैं, और ऐसे आलस में थी सो उठ नहीं रही थी। कब सो रही, उठे सुबह से, सुबह सो रही है 10 बजे से, रात की जागरण करवाएगी हमसे, पर ये अगर उठी रहेगी ना 2-4 घंटे तो फिर सो जाएगी। हाँ देखो टी शर्ट पहनी है, निकर पहना है, और मेरे क्यूट टू कैसी लग रही है। क्या हुआ बेटा, मम्मा ने मारा है या भूखे हो आप? मम्मा ने मारा है आपको? हाँ पिटाई कर दी आपकी। ओ मेरी गोदी में ले लो, गोदी में ले लो इसको। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मारा, किसने
देखो आलस में ना सोए पड़ी है भाई साहब, इसको जगा जगा के नाक भींच दी, मतलब नाक को पतला कर रहे हैं इसकी, वो फिर भी ये लड़की बैठे बैठे सो रही, बैठे बैठे सो रही। नित्य बेटो क्यों ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अभी खाना खाया जा रहा है दाल और रोटी के साथ में, और ये देखो ये खा रही है दाल, सिर्फ दाल खा रही है, डाइट प्लान एक्चुअली फॉलो करती है, गाजर साथ में खा रही है। और आज एक्चुअली हुआ क्या है ना, आज ये मैच देख रही है, और मैच में क्या हुआ है कि हैदराबाद और मुंबई, हाँ हैदराबाद मुंबई का मैच चल रहा था, उसमें हैदराबाद ने 277 रन मारे हैं भाई साहब 20 ओवर में, और मुंबई इंडियन बना पाएगी नहीं बना पाएगी, अभी उसका खेलना बाकी है एक्चुअली, स्टार्ट होगा है ना। क्या कहती हो आप, आपके हिसाब से क्या होगा? आपको आपका एक्सपर्टीज किस में है, इसमें है ना, हैदराबाद जीतेगी? हैदराबाद में जा चुकी हूं तो हैदराबाद को जिता के लाऊंगी। चलो अभी देखते हैं, बताते हैं लास्ट में क्या होगा। नित्या का मैं समझ में नहीं आ रही, तब से सो जा रही है, दिन भर सोई है, बस थोड़ी देर दूध पीने के लिए जग गई थी, बाकी तो बस सो जा रही। आप जग गया, अब इसको ढाक लाया गया अंदर से। नित्या बेटा ऐसे परेशान करोगे पापा को मम्मा को, ऐसे परेशान करोगे आप, कैसे देख रही गुस्से में, ऐसे परेशान करोगे क्या बता दो बेहूसी में। अरे सोने वाली है मेरी माता रानी, नहीं सोई नहीं सोई नित्या बेटा, ऐसे परेशान करोगे पापा मम्मी को, ऐसे परेशान करेगा मेरा बच्चा, ऐसे करेगा परेशान, बताओ अच्छी बात है क्या आपकी, ये अच्छी बात है क्या, बता दो जरा हमें। हाँ भूखी हो क्या, भूखी होते होते पैर चला रही है, भूखा है मेरा बच्चा अभी, बस ये जगने वाली लग रहा है, क्योंकि अब एक दो घंटे या तीन घंटे जगी ना, तो शायद सुबह परेशान ना करे, हो सकता है कि परेशान भी करे, तो ये पूरे दिन सोई है आज, तो भगवान भरोसे है ना बेटा, परेशान करोगी ना रात को, सो गई आज ही ड्रामे देखो, सोच सोच क्या कर रही है, ड्रामे देखो लड़की। नित्या बेटा क्या कर रहे हो आप, ये सोच सोच डांस करते रहती, पता नहीं क्या कर रही है, कूद ना जाके नीचे थोड़ी देर। तो ये था आज का ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे, टिल देन बाय बाय।